नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हॉरर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टीवी का पैनल है, और आप किसी का भी पैनल को रिपेयर कैसे करें इसका वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मतलब कि इसका कनेक्टर आप कैसे चेंज करें। देखिए, किसी ने कोशिश कर रहा था इसे ठीक करने की, पर कोशिश नहीं कर पाए, मतलब कोशिश बेकार रहा उसका। तो देखिए, यहाँ पे भी वो सोल्डरिंग काफी कर चुके थे, तो इसे साफ करना होगा और इसे निकाल के फेंकना होगा, क्योंकि इसका अंदर का कनेक्शन जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो गाइज, इसे कैसे हम रिपेयर करें, तो ये कनेक्टर मार्केट में आपको मिलता है 40 से 50 रुपए में, और कई कई बार तो मिलता है आपको 200 से 250 रुपए में। लेकिन ये एक कनेक्टर की वजह से आपका एक पैनल अगर ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब कि 250 में क्यों, आप अगर 1000 भी मांग लिया तब भी दे देगा, पर उतना मांगने का है नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये एक टीवी था, यूनिवर्सल पतंजलि टीवी था। तो यहाँ पे हम ये इस कनेक्टर को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए पहले हम लोग ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे, ये जो मतलब इसे निकालने के लिए। लेकिन उसके बाद ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ आयरन से इसमें सोल्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ट्वीज़र चाहिए, ठीक है, ऐसा एक ट्वीज़र चाहिए, और आपके पास ब्लोअर चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए इसे ठीक करते। तो गाइस, अब देखिए कि मैं यहाँ पे अभी ये जो कनेक्टर लगा हुआ है इसे आपके सामने निकाल के, ओ माय गॉड, इसे मैं आपके सामने निकाल के नया वाला डालूंगा यहाँ पे। और वो निकाल गया है बाहर, नीचे गिर गया है, तो वो गिरा हुआ चीज था, गिर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा साफ करना होगा, और साफ करने के बाद किधर गिरा है भाई, तो ये देखिए, ये इसमें ब्रोकन था, पता नहीं कि जो इंजीनियर काम कर रहा था इस पे वो खराब कर दिया कि नहीं कर दिया, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अगर बोल दिया किसी आदमी का बुराई कर दिया तो ऐसा नहीं है, तो आप लोग भी बुराई मत कीजिएगा। आपके पास अगर ऐसे डैमेज का काम आए ना, तो बुराई मत कीजिएगा, सिर्फ आपका अच्छा ही दिखाइए और दूसरों का बुराई मत कीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का रूल्स है नहीं है, तो ये रूल्स भी आपको मानना होगा। तो देखिए, ये तो है, और एक दूसरा कनेक्शन ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरा एक कनेक्टर है मेरे पास, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सेम, एकदम सेम ही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसका पिन। तो इसे हम लगाएंगे, तो लगाने से पहले इसे साफ करेंगे थोड़ा सा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये यहाँ पे साफ हो चुका है, और अब नया वाला कनेक्टर मैं लगाऊंगा। तो पहले हम इसमें एक पिन को लगाएंगे,
और दूसरी साइड में से दूसरा पिन को लगाएंगे, उसके बाद बाकी सब पिन को सोल्डरिंग कर देंगे। पप्पू रंग दीते পারবে একটু? দাও একটু রং, দাও একটু হাতটা বাড়িয়ে লম্বা করে। এই যে যে এখানে ঠেকাবে, আমি হচ্ছে না নাহলে দাঁড়াও, যখন বলবো এখন না হবে। এখানে দাও, ওখানে ডগে 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 ডগে। আরে তোলা দিবি দাও, অত নয় ডগ দেখালি দে। বুঝবে না, আচ্ছা এবার দাও ডগ দেবে, ওইখানে দেবে, আমার তাতালে দেবে না, ওখানে দেবে ডোর ডগে। তো গাইজ এ কাফি দিক্কত ওয়ালি হে কাম। और अभी से लगाऊंगा, और एक पिन में मेरा भी दिक्कत हो गया है, तो इस पिन को थोड़ा सा आगे धकेल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, इसे थोड़ा सा साफ करके मैं दिखाऊंगा कि ऐसे ये हुआ है ये काम, ठीक है? तो गाइस ये थोड़ा सा साफ कर दीजिए मेरे को। और भी एक थोड़ा सा गंदगी है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। तो इसे भी मेरे को हटाना होगा।
और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कनेक्टर को मैं कैसे सेट किया। तो देखिए ये कनेक्टर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसे सेट किया, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया, आप खुद ही देख सकते। बंद करो कॉपीराइट आएगा, पागल है क्या। ठीक है देखिए, तो ये बिल्कुल हो चुका है। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।